वैसे वहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा कर क्या देख रहे हैं आप ही ने हमें कुंवरानी बनाकर हमारी सारी आदतें खराब की है। हम कितने अच्छे से कर लेते थे ये सब बिजौलिया में, कितनी सहजता से। अरे कोई पता, तलवार और छुरी में बहुत अंतर होता है। आप इन सब्जियों पर क्यों अपनी निर्दयता दिखा रहे हैं? ये आपके शत्रु थोड़ी है। और वैसे भी जिस कुंवर प्रताप को अफगान और मुगल नहीं हरा पाए, आज एक बैंगन ने उसी कुंवर प्रताप को हरा दिया। चल रही है की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके बहुत काम आएगा आगे। बदबू आ रही है हमको आपके बदन से, और ये बदबू हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। दिल्ली सवाल, हमारे बदन से तो खुशबू आ रही है। हाँ मुमकिन है आपके दिल में किसी के लिए अदावत की बदबू हो,
जो रह रहे के आप ही को परेशान कर रही हूँ। अकबर आजम के दिल में बदबू की गुंजाइश नहीं है खातून। यहाँ जब एक बार किसी को लेकर अदावत आ जाती है ना, तो फिर वो उस शख्स के वजूद पर कहर बनकर टूट पड़ती है, बर्बाद कर देती है उसे। तब तो ये द्राप कलेजे को जरूर ठंडक पहुंचाएगा शहंशाह, क्योंकि ये तुर्किस्तान का, आपके मातृवतन का, बदाख्शान का नहीं। पर जिस बदबू का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसको वो तो हमने उसी वक्त पास पड़े गमले में फेंक दिया था। आप ये जो खेल खेल रही हैं ना हमारे साथ, मैं अच्छा नहीं लग रहा। बेचारे खान बाबा पागल हो जाएंगे वो गलत फहमियों में टूट के। पागल तो हम हो रहे हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। इजाजत हो तो आपके हुजूर में एक जरूरी खबर पेश करूं। बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी हमारे खूबसूरत जज्बाती लम्हों का खून कर रही है। खैर, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो दुआ करो कि तुम्हारी ये खबर अच्छी निकले। हुजूर, खबर काशी के एक ऐसे ब्राह्मण पंडित की है जिसे हमारे सिपाही गिरफ्तार करके ला रहे हैं आपके पास। कौन है ये पंडित? शहंशाह वही पंडित जिसने राम पर एक किताब भी लिखी है, और उसका दावा है कि वो अंधों को आंख दे सकता है और मूर्दों को जिंदा कर सकता है। और तुम इन दावों पर यकीन करते हो? सुना आपने, मुर्दे में भी जान फूंक सकता है। हम फौरन दरबार पहुंच रहे हैं। आप भी हमारे साथ दरबार यहां चले, बड़े ही मजे का तमाशा देखने को मिलेगा वहां। पंडित जी को पेश किया जाए। पंडित जी, क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि मुगलिया दरबार में शहंशाह हिंद के सामने सबको अदब से झुकना पड़ता है? ओ, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी सकत बड़ाए साखा। किया राम, किया राम, किया राम। बस बहुत हुआ आपका गाना बजाना पंडित जी। क्या ये सच है कि आप अंधे को रोशनी और मुर्दे में जान फूंकने की कुव्वत रखते हैं? हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? देने वाले तो वो है हमारे श्री राम, वही सबके दाता है। हम सब सब भिखारी हैं उनके दरबार में। आप कैसी जरूरत, भिखारी बोल रहे हैं आप हमारे शहंशाह को? हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले? हुई है वही जो राम रचि राखा, इसीलिए वो बार बार अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। करने वाला वो हो, देने वाला वो हो, उन्होंने ही हम सबको अपनी अपनी क्षमता अनुसार भूमिकाएं सौंपी हैं। आपको राज सिंहासन पर बिठाया है ताकि आप अहंकार रहित होकर जन साधारण के सुख शांति का ध्यान रख सकें।
उनकी सेवा कर सके। हुजूर, फिर इस उस्ताद ने आपको खुदगर बोल दिया है। पंडित जी, आप यहाँ वहाँ की बातें छोड़े और हमारे सवाल का जवाब दें। हमें बताया गया है कि आपने अंधे को रोशनी और मुर्दे को जान बख्शी, क्या ये बात सच है? हमने तो केवल प्रार्थना की थी उनके लिए, हमारे राम जी ने हमारी प्रार्थना सुनी, किंतु किया सब सब उन्होंने ही है। हमारे श्री राम, उनकी इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। तो क्या वही करिश्मा हमारे सामने दोहरा सकते हैं? राजन, हमारे श्री राम की अपने भक्तों पर कृपा एक साधारण राजा के दरबार का तमाशा नहीं बन सकती। इसका मतलब आप हमारे सामने अपने उन करिश्मों को दोहराने के लिए मना कर रहे हैं? गिरफ्तार कर लिया जाए पंडित जी को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरज विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यवान गुणियाति चातुर, राम काज कारी बेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षी उर लाए, रघुपति किन्हीं बहु बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रो यस गावे, अस काहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा, नारद सारद साहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को बीत कहीं सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मैली मुख नाही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँक दे कांपे, पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जोड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, दिल के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत पुजियारा,
असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ विधि के दाता असवर दीन जान के माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बार पाठ कर कोई छुटी बंदी महासुख होए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साथी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस हूँ सुर भूप जय श्री राम जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान हुजूर हमला हुजूर हमारे ऊपर जबरदस्त हमला हुआ है चैन शाह हिंद जलालुद्दीन अकबर के महल पर हमला इसने की जुर्रत कौन है वो मैं जाने कहां से लाखों बंदर आ गए हैं और तबाही मचा रहे हैं और हम सबको लहूलुहान कर रहे हैं झापना वो सब शाही महल क्यों भर रहे हैं बंदर ही बंदर आ चुके हैं शाही महल में हुजूर चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है हुजूर समस्त जान पर आफत है शहंशाह बड़ा मेहरबानी इसी वक्त अपने आरामगाह में चले जाइए शहंशाह आपको फौरन उस पंडित को बाअदब रिहा कर देना चाहिए तभी जाकर ये करिश्माई आफत इस आफत से बचने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं है शहंशाह कोई है, है? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो फौरन उस पंडित को रिहा किया जाए शाही काले तवज्जो की जाए उसे इज्जत और एहतराम के साथ बाअदब का शिरोक्षक किया जाए हमारे हुक्म की तामील हो जो हुक्म आलम बना Thank you.
रानी माँ हमें शीघ्र यहाँ से निकालिए रानी माँ, हम ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकते, ऐसा लगता है आप घुट घुट के मर जाएंगे। हम जानते हैं, हम शीघ्र कुछ करते हैं। कब कब आएगा आपका कुछ रानी माँ? जब जब ताजी राजा में फांसी पर लटका था। यही है आपकी भूल, छोटी मोटी बातों पे हड़ बढ़ा जाते हैं हम, और हम चाहते हैं कि आप धैर्य रखें, कुछ ऐसा ना कर डाले कि पूरे मेवाड़ की नजर हम पर आ जाए। जब से कुमार प्रताप महल छोड़कर गए हैं, आपके दाजीराज केवल उनके बारे में सोच रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि किसी तरह उनका ध्यान आपसे हटा ही रहे। बात समझ लें कुमार जगमान, यदि आपको यहाँ से कोई व्यक्ति निकाल सकता है तो वो केवल हम है। बस अपनी रानी माँ पर भरोसा रखें और धैर्य रखें। कब तक धैर्य रखें? आप शीघ्र कुछ करिए, नहीं तो हम कह रहे हैं हम मार देंगे अपने आप। ऐसा नहीं कहता, हमें जाना होगा। हटा लीजिए हमारे सामने से भोजन धीर भाई जी, हमें भूख नहीं है। कुछ तो खा लीजिए राणा जी, कुछ भी नहीं खाया आपने। आप एक साधारण नागरिक नहीं है, मेवाड़ के राजा हैं आप। यदि आपको कुछ हो गया तो आपकी प्रजा का क्या होगा? अपना नहीं तो हमारा तो सोचिए, अपने परिवार का सोचिए, अपने अपने मेवाड़ के बारे में सोचिए। आपका ये मानसिक संतरास देखकर आपको क्या लगता है हमें कोई दुख नहीं होता? नहीं धीर भाई जी, हमसे नहीं खाया जाएगा, हमारा मन नहीं है। हम जानते हैं आपका मन अशांत क्यों है, क्योंकि आपका मन कुंवर प्रताप में लगा है। वो कुंवर प्रताप जो इस महल को और आपको छोड़कर अपनी धर्म पत्नी को लेकर एक छोटी सी कुटिया में चले गए हैं। आपने नहीं खाया ना राणा जी, तो हमने भी नहीं खाया। क्या आपने भी कुछ नहीं खाया? हम ना है राणा जी, हम भूखे रह लेंगे, परंतु कुंवर प्रताप चांद के बारे में तो सोच सकते थे। रोती रही चांद कि एक बार हमें अपने दादा भाई से मिलना है, और चांद की भी नहीं सुनी उन्होंने। अपनी हट पे बैठे हैं ना, तो हम जाके मना लेंगे उनको, पैर पड़ जाएंगे उनके, फिर मान जाएंगे। नहीं धीर भाई जी, कोई पैर नहीं पड़ेगा कुंवर प्रताप के। उन्हें क्या लगता है हम उनके बिना जी नहीं सकते? कोई नहीं जाएगा कुंवर प्रताप के पास, ये हमारा आदेश है। और अगर कोई गया कुंवर प्रताप के पास उन्हें इस महल में वापस लाने के लिए, तो अच्छा नहीं होगा। हाट बाजार जा रहे हैं? क्या बात है, आज आपके चेहरे पर एक अलौकिक रंग सा चढ़ा हुआ। धीरे बोलिए, किसी ने सुन लिया तो? अजब थे हम दोनों के अतिरिक्त यहां कोई नहीं। हम जा रहे हैं। अजब दे, अब हमारे कुर्ते की डोरी खुल गई है, कृपया बांध देंगी? आप खुद बांध लीजिए ना। हम बांध देते पर। ठीक है, हम बांधते हैं। Na 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 na.
देख लेगा। कोई नहीं देखेगा चक्ते। सब आगेवती चक्रपाणि पत्ता सब बिजोलिया गए बोल रही क्या क्या हुआ चलते वो कुछ नहीं तो फिर अब चिल्लाई क्यों वो आपकी शरारतों को रोकने के लिए वैसे आप इतना बनठन कर कहाँ जा रहे हम हाट बाजार जा रहे हैं अच्छा ठीक है शीघ्र लौटाइएगा शीघ्र ही लौटेंगे आप तो अपनी मायके चली गई थी ना अरे नहीं नहीं अजब दे हम तो गांव वाले मंदिर में रुके हुए हैं अजब दे आपकी कलाई में केवल इतनी सी चूड़ियां बची हैं बाकी चूड़ियां कहां गई अजब दे चलो जी अच्छा हुआ हमारा घर से बाहर जाना कुछ तो काम आ जाए ये क्या हुआ अजब दे एक ही रात में चूड़ियों के साथ साथ पीढ़ियों से चला आ रहा मिश्र परिवार का पलंग भी तोड़ दिया हमें क्षमा कर दीजिए सौभाग्यवती आइए 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 हमें क्षमा कर दीजिए बहन आपको पता नहीं है अजब दे कि आपको लेके हम कितने प्रसन्न हैं धन्यवाद सौभाग्यवती हम आपको बता नहीं सकते कि पिछले दो दिन हमारे लिए कितने अच्छे गए हमने कुंवर प्रताप को इतना शांत और इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा और ये सब आपके कारण हुआ है बस आपके कारण शहंशाह बंदर ही बंदर आ चुके हैं शाही महल में चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है हुजूर सबकी जान पर आफत है जो भी हुआ वो सब इतना गैर यकीनन लग रहा है कि हादसों के गुजर जाने के बाद हमें उन्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए यूं समझे कि जो कुछ भी हो वो सब एक इत्तफाक था देखिए ना इस कदर सूरज अपने आंख बरसा रहा है नहीं बर्दाश्त कर पाए बंदर इतनी गर्मी को और इसीलिए वो अपने आबो दाना और ठंडी छांव ढूंढने के लिए जंगल से शहर आ गए बस और वो कितने सारे बंदर थे आप वजह फरमा रही हैं इत्तेफाक ही होगा लेकिन फिर भी हमें पंडित जी के साथ बेहतर तरीके से पेश आना चाहिए था मुमकिन है अगर हम ऐसा करते तो शायद ये सब नहीं होता देखा अब आपको भी ऐसा लगा ना हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी दिली जज्बात को आपको सबसे छुपा के रखना चाहिए आपकी शक्ल से कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके दिल में क्या चल रहा है सचमुच कि आप जब भी अपनी आवाम से मिले तो चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मिले उन्हें अपने शहंशाह के चेहरे पे नूर टपकता हुआ दिखाई देना चाहिए आपके चेहरे पे उन्हें फकत दयानतदारी और रहमदिली के ही रंग दिखने चाहिए ताकि आवाम के हर आमो खास को ये लगे कि उनका शहंशाह फरिश्ता है फरिश्ता बाकी आपको जो सोचना है आप सोच आपको जो करना है आप करें पर लोगों को क्यों पता चले शहंशाह का इकबाल बुलंद हो तमाम दरबारी दरबार में शहंशाह हिंद के दीदार को मुंतजिर हैं जनाब बैरम खान के हुक्म पर जो बागी रियासत का राजा हमारी फौज से हारा है उसे गिरफ्तार कर शाही दरबार में लाए हैं उसकी किस्मत का फैसला भी अब शहंशाह हिंद को करना है अंगूठा यूं नहीं ऐसे होना चाहिए कसकर ताहे सीधी
हमारे आचार्य कहा करते थे कि तलवार ऐसे पकड़ो जैसे वो आपके हाथ का एक अभिनंग बन जाए। पर कुंवर प्रताप, हमें लड़ना क्यों पड़ता है? लड़ना क्यों पड़ता है? जीवन पद्धति की रक्षा के लिए। अर्थात? अर्थात वैसे तो जीने के लिए दो रोटी ही पर्याप्त है, फिर भी हम उम्र भर लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। क्यों, किस लिए? जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ होता है स्वाभिमान के साथ अस्तित्व का होना। इसलिए हम जीते हैं, इसलिए हम मरते हैं। अस्तित्व होता क्या है? हमारी संस्कृतियां, हमारे मूल्य, हमारी मान्यताएं। जब तक ये हमारे साथ हैं, हम हैं, ये नहीं तो हम खोखले हो जाते हैं, मात्र पशु बन के रह जाते हैं। रहीम, आपके अजान का समय हो गया है, जाइए, मन लगा के पूजा कीजिए, क्योंकि यही हमारा नित्य कर्म है, यही हमारा अस्तित्व है, और अपना अस्तित्व कदापि नहीं छोड़ना, जाइए। जी गुरुजी। बाबा कहते हैं कि आप कुछ ही दिनों के लिए यहाँ है, कुछ ही दिनों में आप यहाँ से चले जाएंगे, आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? दादा भाई, आप हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? छोड़कर तो आप हमें जाएंगी, जब आपको एक प्यारा सा सुंदर सा राजकुमार मिल जाएगा। ये ना। अच्छा, फिर ये अच्छा है? नहीं। और क्या हुआ? दादा भाई, हमें छोड़कर नहीं जा सकते, कितना चाहते हैं वे हमें। अगर वे हमारा मुख देख लेंगे ना तो तुरंत आ जाएंगे हमारे पास। ऐसे नहीं होता चांद, दादा भाई अब जा चुके हैं, वे कैसे देखेंगे आपका मुख? नहीं नहीं जीजा, हमें कुछ नहीं सुनना। जीजा, हम चुपचाप महल से भागकर दादा भाई को लेने जाएंगे। नहीं चांद, आप ऐसा नहीं कर सकती, दाजीराज का आदेश है, महल से दादा भाई प्रताप को लेने कोई नहीं जाएगा। आपको चलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम अकेले चले जाएं। चांद, आप नहीं जा सकती ऐसे। नहीं जीजा, हम कुछ नहीं सुनना। पर आप चल रही है या नहीं? नहीं तो हम जा रहे हैं। चांद, अच्छा बाबा, हम चलेंगे आपके साथ। चांद भी अवश्य आई होंगी उनके साथ, अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। जी,
दादा भाई द्वार खोलिए, मैं आपको लेने। दादा भाई द्वार खोलिए। दादा भाई द्वार खोलिए ना। दादा भाई क्या हो गया आपको? आपके बिना हम कैसे रहेंगे वहां? दादा भाई चलिए ना महल वापस। हमें सदा लगता था कि जब भी हमें आपकी आवश्यकता होगी आप सदा होंगे हमारे पास, और अब हमसे फिर तक नहीं रहे हैं, अपना द्वार ही नहीं खोल रहे हमारे लिए। दादा भाई द्वार खोलिए ना। दादा भाई आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। आपके लिए चलेंगे महल वापस। आपके लिए नहीं दादा भाई, हमें कुछ नहीं सुनना, चलिए ना वापस। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। आपके लिए चलेंगे महल वापस। आप रोना बंद कीजिए। अजब दे, आप सोच क्या रही हैं? चलिए चलकर सामान बांधते हैं, वापस चलना है हमें चांद के लिए। समझने की चेष्टा कीजिए, आपको पता नहीं है दादा भाई प्रताप के साथ क्या क्या हुआ है, क्यों दादा भाई ने महल छोड़ा, लेकिन अब आपको जानना चाहिए। कुंवर प्रताप को जो मिल रहा है, जो मिलता आया है या जो मिलने वाला है, हम चाहते हैं कि हमारे जगमाल को मिले। बताइए हमें किसने की आपकी हालत? दादा भाई प्रताप ने हम पे गोली चलाई, तो भी मार डाला। उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। अच्छी नहीं है हमारी रानी माँ, वे दादा भाई प्रताप और अजबदे भाभी जी के लिए नए नए संकट खड़ी करती रहेंगी। आप समझ रही है ना? चांद कहां गए? तो
शहंशाह, इस मغرور राजा ने शहंशाह हिंद की अजमत के सामने सर उठाने की जुर्रत की है। मुगलिया सल्तनत के कानून के खिलाफ बगावत करने की जुर्रत की। हम शहंशाह हिंद से दरख्वास्त करते हैं कि फौरन इस बागी राजा का सर कलम करने का हुक्म फरमाया जाए, ताकि शहंशाह का यह पैगाम तमाम राजाओं तक पहुंच जाए कि जिस किसी को मुगलिया सल्तनत के खिलाफ सर उठाने का ख्याल भी आया तो उसका सर भी इसी तरह कलम कर दिया जाएगा। जब भी अपनी आवाम से मिले तो चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मिले, उन्हें अपने शहंशाह के चेहरे पे नूर टपकता हुआ दिखाई देना चाहिए, ताकि आवाम के हर आमो खास को ये लगे कि उनका शहंशाह फरिश्ता है, फरिश्ता। हम तुम्हारी सोच और तुम्हारे अमाल को समझ सकते हैं राजा किशन दास। अगर हम तुम्हारी जगह होते और हमें हमारा घर खाली करने के लिए कोई कहता था, तो हम भी तुम्हारी तरह जी जान से लड़ पड़ते। मगर तुम्हें हमारी परेशानी और मजबूरी भी समझनी चाहिए। अगर हम अपनी सल्तनत नहीं फैलाएंगे तो फिर वहां कोई और अपना परचम फैलाकर हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। दरअसल हम दोनों ही अपने अपने हालात से मजबूर हैं। बढ़ूं जो आगे तो कुछ लूं किसी को, ना बढ़ूं तो कुछ ला जाऊं। जमीर तुझे तो नाज है अपनी मुनसिफी पे, अब तू ही बता तेरा फैसला क्या है। हमारी फौजों के सामने तुम्हें जो शिकस्त झेलनी पड़ी, जो खून खराबा हुआ, उसका हमें बेहद अफसोस है। अगर किसी ना किसी को तो इस वसी सल्तनत को संभालना ही होगा। चलो यूं करते हैं, अपने राज में तुम हमारी तरफ से हमारी सल्तनत को संभालोगे, हम खुद तुम्हें अपनी तरफ से वहां का राजा मुकर्रर करते हैं। शहंशाहिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जय। 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 गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, ये आपने क्या किया? इस बागी राजा को माफ कर दिया और इसे इसके ही राज्य का राजा बनाकर छोड़ दिया। हमारा नुमाइंदा बनकर गया है वो यहां से खान बाबा, क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा? झुक तो गया ना वो सबके सामने भरे दरबार में, और वैसे भी उसके राज में बहुत सियासी उठापटक चल रही है। हमने सुना है कि उसकी अपने साले से नहीं बनती, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। खान बाबा ऐसा कुछ कीजिए कि किसी को कानों कान खबर भी ना हो और चुपचाप उसके साले तक मदद पहुंच जाए। दोनों आपस में लड़ लड़ के मर मिटेंगे, फिर भेज देना यूसुफ खान को हमारी तरफ से वहां का सूबेदार बना के।
आखिर कब तक हम इन बागी राजाओं को मारकर अपने हाथ खून से रंगते रहेंगे? आपने जो किया वो ठीक किया। हाँ जीजा, हमारे दादा भाई जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, प्रसन्नता से रहें। और हमें चुपचाप बिना दाजीराज को पता चले अपनी कक्ष तक पहुँचना है। ध्यान से चलिए, चलिए। थी आप दोनों? उत्तर दीजिए, कहां गई थी आप दोनों? दाजीराज, जान से रहा नहीं जा रहा था दादा भाई प्रताप के बिना, इसलिए हम दोनों छुपके उनसे मिलने गई थी उन्हें वापस लाने। कहाँ है कुंवर प्रताप? आई नहीं आप लोगों के साथ हो? हमें तो लगा था कि चांद का चेहरा देखते वो तुरंत महल में वापस आ जाएंगे। कहाँ रह गए वो? कल आएंगे, परसों आएंगे। हाँ, सामान बांधने में कुछ समय तो लगता ही है, एक बार कुंवर प्रताप आ जाएंगे तो ना कल ना परसों। दाजीराज, दादा भाई प्रताप कभी नहीं आएंगे। क्या बात है कुंवर प्रताप? जीवन में कितने मार्ग, कितनी दुविधाएं, कितने विकल्प, चाहे हम जितना भी सोच विचार कर लें, जैसे भी जी लें, फिर भी ना जाने क्यों हर विकल्प, हर मार्ग हृदय को दुखाई देता है। जब दे फिर हम कौन सा मार्ग चुनेंगे जीवन में? वही जो सदमार्ग हो। अच्छा, तो फिर छोड़ दिया अकबर ने तुलसीदास जी को? ऐसा घमासान आक्रमण कर दिया था वानर सेना ने, छोड़ता नहीं तो क्या करता अकबर? हमारे तो ऐसे सौभाग्य रहे, साक्षात तुलसीदास जी के दर्शन का अवसर मिला हमें काशी में। जो सरदार उन्हें ले गया था बंदी बनाकर, वही सरदार सम्मान के साथ उन्हें फिर ले आया काशी में, आदर के साथ उनके निवास स्थान तक उन्हें पहुंचाया। जैसे ही मुगल सैनिक वहां से चले गए, तुलसीदास जी के घर के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई, सब उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने सबको शांत किया और देर गंभीर स्वर में कहा, आप हमारी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया है हमारे श्री राम जी ने किया है। हमारे श्री राम जी ने कैसी लीला रची है, कैसी विडंबना है ये, कि हमारे मुख से पहली बार हनुमान चालीसा का जन्म करवाया, वो भी कहां अकबर के दरबार में। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बस हूं सुर भूप। धन्य हो गया अकबर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
भी संकट में इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसका संकट निश्चित रूप से टल जाएगा। श्री राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हमारा तो जीवन सफल हो गया तुलसीदास जी के दर्शनों से। कुंवर प्रताप, तुलसीदास जी के बारे में कुंवर प्रताप को बताना चाहिए, वो उन्हें अवश्य मिलना चाहेंगे। नहीं 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 नहीं, आप नहीं मिल सकते बाबूजी राज सर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं हम सब यहाँ पर है, हमने उनसे बात छुपाई थी। लेकिन क्यों छुपाई आपने बात उनसे? हमने जो भी कहा उनके भलाई के लिए कहा, कुंवर प्रताप के भलाई के लिए कहा। कुंवर प्रताप की चक्रपाणी पिताजी, अभी अभी तो उन्होंने थोड़ा समय अजब दे के साथ बिताना आरंभ किया है, अकेले रहने का समय कहाँ मिलता है उन्हें दो दिन के लिए तो साथ रहने दीजिए। हाँ, और अजब दे भी कितनी प्रसन्न है यहाँ। हाँ, चलिए जल्दी। चक्रपाणी की आवाज, लगता है हमारा वहम था। अजबदी ने हमें कहा था भोजन की सामग्री लाने के लिए। आज तो बच ही गए, अच्छा हुआ कुंवर प्रताप ने देखा नहीं हमें। हाँ। अरे बाजीराज, छुप जाओ जल्दी, चलो। सुनिए। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? बाबूजीराज, आप डरने हुए भाग हमारे, जो आप यहाँ पधारे। हुकुम, हमें सामग्री लेनी है। सामग्री? कौन सी सामग्री? भोजन बनाने वाली सामग्री, जैसे दाल। हाँ, हमें दाल लेनी है। कौन सी दाल हुकुम? कौन सी? कितने प्रकार की दालें होती हैं? दालें तो कई प्रकार की है, जैसे कि मूंग, तुअर, उड़द, मसूर, चना दाल। आप हुक्म दीजिए। अच्छा, इतनी दालें होती हैं, तो आप हमें सब प्रकार की दालें दे दीजिए। सब प्रकार की? जी। कितनी देनी है? कितनी देनी है? एक एक मन दे दीजिए। एक एक मन? जी। कम है तो आप चार चार मन दे दीजिए। लाइए। जो हुकुम बाबूजीराज, जो हुकुम। चार चार मन डाल का बाबूजीराज करेंगे क्या? पूरे गांव को भोजन देंगे क्या ये? हमारे बिना बाबूजीराज का कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, हम सबके बिना। परंतु कुंवर प्रताप घर गृहस्थी का सामान लेते इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम क्या बताएं आपको। हुकुम जी, दाल के साथ रोटियों के लिए आटे की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ हाँ, कौन कौन सा आटा है आपके पास? यही गेहूं, बाजरा, ज्वार। हम समझ गए हुकुम, आप सिर्फ इतना बताइए कितने लोगों के लिए चाहिए, हम भिजवा देंगे। दो नहीं, ये कोई चार पांच। समझ गए हुकुम,
सारी सामग्री घर पर पहुंचानी है या कुछ सामग्री मंदिर में मिश्रा जी के पास? मंदिर में मिश्रा जी के पास? अर्थात मिश्रा जी तो काशी गए हैं ना? बाबूजी राज, मिश्रा जी तो काशी से आ गए। वो देखिए, उनके पुत्र वहां खड़े हैं। ये अनाज विक्रेता हमारी ओर क्यों संकेत कर रहा है? चक्रपाणि, चक्रपाणि, शीघ्र ही अपने पिताजी को लेकर घर चलिए। एकलिंग जी, आज तो मार ही डालेंगे बाबूजी राज। भीतर आने के लिए नहीं कहेंगी? बता रही है ना दाजी राज, हम खाली पेट पानी नहीं पीते। भोजन तैयार है। यदि आप क्या? अजब दे, हम भूखे हैं। इतने दिनों से हमने खाना नहीं खाया। हमारे लिए थाल लेकर आइए। इतने स्वादिष्ट खाने की सुगंध आ रही है हमें, और आप हमें पानी पिला रही हैं। अभी लेकर आते हैं। काश ये भोजन करने का सुअवसर हमें कुंवर प्रताप के साथ मिलता। भोजन ठीक ठाक तो बना है ना? बहुत ही स्वादिष्ट बना है जत्ते, बहुत ही स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने पता नहीं कितने सालों से नहीं खाया। बहुत अच्छा बना है। हमारी माँ सदा कहती है कि खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। क्या खाना है? इतने दिनों से हमने खाना नहीं खाया और आज बहुत सौभाग्य। राजीराज पानी पी लीजिए। एक बात कहें अजब,
आज आपने हमें हमारी माँ का स्मरण करवा दिया। बस अजब थे बस, कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन किया है। सच कह रहे हैं, आनंद आ गया। अजब दे, एक बात कहनी थी आपसे। कुंवर प्रताप से कहिए ना कि वो वापस महल आ जाए। राजी राज, हमें क्षमा कर दीजिए स्वाति होने के लिए, परंतु ये हम अपने लिए नहीं, कुंवर प्रताप के लिए कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते उनसे, हमने कुंवर प्रताप को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। हम नहीं छीन सकते उनकी प्रसन्नता उनसे, और सच कहे तो राजमहल से भी अधिक अधिक सुखी हमने उन्हें यहाँ देखा है। राजी राज, हम कुंवर प्रताप से तो नहीं कह सकते लौटने के लिए, परंतु हम आपसे पूरे आदर और स्नेहा के साथ तो यहाँ रुकने के लिए कह सकते हैं ना। फिर वो एक पिता बनकर या एक बच्चे बनकर। अजब दे, काश मेवाड़ के राणा को अपने राजकीय मर्यादाओं को निभाते हुए अपने निजी संबंधों का लाभ उठाने का अधिकार होता, किंतु ऐसा हो नहीं सकता अजब दे। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जब राम ने सीता मैया को वनवास पे भेजा होगा तो अपनी पत्नी का त्याग कर उन्हें वन में वनवास भेजने का निर्णय राम का नहीं, राजा राम का रहा होगा। इसलिए हम आपके स्नेह में पड़कर यहां रुक सकते हैं, किंतु पहले ही कुंवर प्रताप के बिना वहां प्रजा में असुरक्षा का भाव चल रहा है। ऐसे में अगर हम यहां रुक गए तो वहां प्रजा को कौन संभालेगा, राजपाट को कौन संभालेगा? यहां पर रुकने का निजी निर्णय उदय सिंह का हो सकता है, लेकिन राणा उदय सिंह नहीं हो चाहते, उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हम बंधे हुए हैं अपने कर्तव्यों से। अब हम चलते हैं। आप रुके, क्या हुआ दादीराज? कोई नहीं है अशब्द, कोई नहीं है। अब हमें यहां से चलना चाहिए। आप यहीं पर थे तो फिर मिले क्यों नहीं उनसे? शहंशाह, क्यों यकायक दरबार बुलाने की कोई खास वजह? क्या कहीं कोई बगावत हो रही है या साजिश चल रही है? जहां तक हमें अपने जासूसों से खबर मिली है, हमारी सल्तनत में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। हमने दरबार इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें एक खास ऐलान करना है। आप सभी जानते हैं कि सदियों से जजिया महसूल लिया जा रहा है हमारी सल्तनत की दूसरी मजहबी रियाया से।
जी जी, उस महसूल से सल्तनत को बहुत फायदा है। हमने तय किया है याद से जजिया महसूल खत्म किया जाए। क्या आप जब भी अपनी आवाम से मिले तो चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर मिले? शहंशाह, जजिया हटा रहे हैं आप? ये जजिया तो हमारी सल्तनत के दूसरे मजहबों की रियाया से लिया जा रहा था और वो खुशी खुशी दे भी रहे थे, उन्हीं के फायदे के लिए तो लिया जा रहा था, और आप उसे हटाने की बात कर रहे हैं, क्यों? आज से हमारी सल्तनत में मजहबी इख्तलाफात के बिना पे किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया जाएगा। सभी को अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत की पूरी आजादी होगी। शहंशाह, लेकिन जलालुद्दीन अकबर का फरमान हर्फ़े आखिर समझा जाए। नहीं आए ना कुंवर प्रताप आपके साथ, हम जानते थे। बिल्कुल जीजा की भांति हटी है। एक बार किसी बात को थान लेते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते। कम से कम ये तो सोचा होता कि आपके मन पे क्या बीतेगी। अकेला महसूस कर रहे हैं। एक बेटा आपको छोड़कर चला गया और दूसरे बेटे को स्वयं आपने कारागार में डाल दिया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं राणा जी कि कुंवर जगमाल छोटे हैं, भूल हो गई उनसे। परंतु कुंवर प्रताप तो समझदार है, उन्हें तो आपकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। यूं आपके साथ ना आके उन्होंने आपको अपमानित किया है। कितना विष भरा है आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए। हमें सदा यह भ्रम था कि आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए हमसे अधिक प्रेम और स्नेह है। हमसे अधिक क्या, हमें तो यह लगता था कि कुंवर प्रताप के लिए आपके मन में सबसे अधिक प्रेम और स्नेह। किंतु आज हमें पता चला कि हमारा भ्रम मात्र एक भ्रम ही था। और हां, कुंवर जगमाल का स्मरण करवाने के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। सनेक युगुम, रावत जी से कहिए कि कुंवर जगमाल की फांसी की व्यवस्थाएं करवाई जाए। नहीं नहीं राणा जी, हम आपके पांव पड़ते हैं। क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल को, भूल हो गई उनसे। आपसे तो कोई भूल नहीं हो सकती है ना, हमसे हुई होगी भूल राणा जी। वो क्रोध में हमारी जिह्वा से कुछ भी निकल गया राणा जी। कुंवर प्रताप, उनको तो हम इतना प्रेम करते हैं, आप जानते हैं ना राणा जी। हम मना के ले आएंगे उनको, हम माँ हैं उनकी, वो हमारी बात नहीं टालेंगे। हम ले आएंगे कुंवर प्रताप को वापस। ठीक है दीप भाई जी, तो जाइए और लेकर आइए कुंवर प्रताप को। जहाँ तक हम कुंवर प्रताप को जानते हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। जाइए और कर लीजिए अपना प्रयास। जाके कुंवर प्रताप को बना लेंगे, वे मान जाएंगे हमारी बात राणा जी। आप कुंवर जगमाल को फांसी मत दीजिएगा, हम ले आते हैं कुंवर प्रताप को। संभल के रखना, संभल के। हम जानते हैं कि हम जब भी संकट में आएंगे आप सदा होंगे हमारे साथ। आइए, अंदर आइए। खम्मा गणी छोटी माँ, बैठिए। आइए रानी माँ।
हम यहाँ बैठने नहीं आए कुंवर प्रताप, हम आपको राजमहल वापस ले जाने आए, और ये आपकी रानी माँ का आदेश है। क्षमा कीजिए रानी माँ, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको और कोई मांग रखनी हो तो आप अवश्य रख सकती हैं। बस एक बार हमारी बात रख लीजिए कुंवर प्रताप, और वापस चलिए हमारे साथ, हमारे लिए भी नहीं आएंगे। आप ही के लिए, आप ही के लिए। क्यों कुंवर प्रताप? अब भली भांति जानती हैं क्यों। हमसे भूल हो गई, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए कुंवर प्रताप, और हमारे साथ वापस चलिए राजमहल। क्योंकि आपने ऐसा रानी मां, हमारा तो ये सर भरा ही नहीं था राजमुकुट पहनने के लिए, ये तो बना ही था सदैव आपके चरणों में रहने के लिए, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप एक बार हमसे कहकर तो देखते, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हम आप पर, एक बार हमसे बोल कर तो देखते, आप खाल उतार कर जूतियां बनवा देते आपके लिए, फिर आपने ऐसा क्यों किया रानी मां? क्यों रानी मां, आपने कभी हमें अपना माना ही नहीं, आज तक हमें इसका उत्तर नहीं मिला कि आपने ऐसा किया क्यों। हमें अपराधी घोषित किया गया फिर भी आप चुप रहीं। कहीं ना कहीं दादा भाई को यह लगता है कि कल जाके रानी मां के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए, इसलिए दादा भाई पूरे परिवार को मारना चाहते हैं। हमें दाजी राज ने मृत्यु दंड सुनाया फिर भी आप चुप रहीं। आज तक हम इसका उत्तर नहीं जान पाए, अब तो बता दीजिए। हो गया हमसे अपराध को गर्भ था, हमारी ममता में हम अंधे हो गए थे, नहीं दिखा हमें कुंवर जगमाल के अलावा और कुछ, हमें केवल कुंवर जगमाल दिखाई दे रहे थे, और केवल ये बात समझ आ रही थी कि हमें उन्हें बचाना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने एक बार नहीं बार बार हमसे झूठ कहा कि हम आपके लिए सब कुछ है। आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है कुंवर प्रताप। यदि हमने आपके प्रेम पर संदेह कर लिया ना कुंवर प्रताप, तो जीवन में सारे संबंधों से विश्वास उठ जाएगा। आपने हमें उत्तर माना था, हम आपको सदैव रानी मां कहकर पुकारते थे, फिर ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ? जानते हैं इसमें सबसे दुखद और बुरा क्या हुआ? कि हमारी मातृभूमि के प्रति जो हमारा कर्तव्य था वो भूल गया, अपनी मातृभूमि को भूल गया। पर कुंवर प्रताप, क्षमा कीजिए रानी मां, अब हम जीवन में शांति चाहते हैं बस। आपके भाई कुंवर जगमाल राणा जी उनको फांसी दे देंगे, एक आप ही मेरी आस है, केवल आप बचा सकते हैं कुंवर जगमाल को। कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होगा भाई जगमाल को, उन्हें फांसी नहीं लगेगी। हमने दाजी राज से विनती की थी, आशा है कि वे हमारी बात रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद दिला दीजिएगा। कुछ नहीं होगा आपके आपके पुत्र जगमाल को। मालको मालको
मैंने बहुत मनाया, बहुत विनती की, आपका और हमारा वास्ता भी दिया, पर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। हम जानते थे कि वो नहीं लौटेंगे। आपने प्रार्थना की थी हमसे धीर भाई जी, आपने कहा था कि आपको एक अंतिम अवसर चाहिए, किंतु आप अपने प्रयास में असफल रहे। अब जगमाल को मरना होगा। उन्हें क्षमा कर दीजिए राणा जी, उनसे भूल हो गई, वो आपके भी तो पुत्र है ना राणा जी, किसी और के लिए नहीं तो हमारे लिए क्षमा कर दीजिए। हमारा निर्णय अंतिम निर्णय होता है धीर भाई जी। भाई जी राणा जी, कुंवर प्रताप ने हमें कहा था कि हम आपको याद दिला दें कि उन्होंने आपसे कुंवर जगमाल को क्षमा करने की प्रार्थना की थी। राजी राज हो सके तो कुंवर जगमाल को क्षमा कर दीजिएगा। यहां से जाने से पहले उन्होंने आपसे अंतिम विनती की थी कि आप कुंवर जगमाल को क्षमा कर दें, किसी और के लिए ना सही तो कुंवर प्रताप के लिए। राणा जी उन पे तो आप पूरा विश्वास करते हैं ना, उनके लिए क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल को। ठीक है धीर भाई जी, वैसे भी मरे हुए को क्या मारना, दिया हमने जगमाल को प्राणदान, किंतु उनकी सारी सुख सुविधाएं, उनके सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे जो उन्हें मेवाड़ के राजकुमार होने की वजह से मिलते थे। उन्हें यह महल छोड़कर जाना होगा और जाकर महल के सेवकों के स्थान पर सेवकों के संग उन्हीं की भांति रहना होगा। और एक बात भी बच, जगमाल की कोई सहायता नहीं करेगा, विशेष रूप से आप। सुन रही हैं आप धीर भाई जी, जगमाल को अपने बलबूते पर जीना सीखना होगा। हमें आपकी आज्ञा मान्य है राणा जी, हम बस इतना ही चाहते थे कि आप कुंवर जगमाल का जीवन दान दें। कुंवर जगमाल की सुख सुविधा पर राजकोष से जितना भी धन व्यय होता था वो सारा धन थमन सिंह के परिवार को हर माह दिया जाएगा, और हम आपके इस दुष्ट पुत्र जगमाल को आज के बाद देखना नहीं चाहते, वो हमें दिखना नहीं चाहिए थी भाई जी। ध्यान रखिएगा इस बात का। वैसे एक बात तो आप समझ गई होंगी धीर भाई जी कि कौन आपका सुपुत्र है और कौन आपका कुपुत्र है।